कांग्रेस नगर पालिका में हरित पट्टा योजना में 53 लाख रुपए की कथित धांधली का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। इन मामले में मुख्याधिकारी शेषराव टाले और पालिका के कंप्यूटर अभियंता स्वप्निल पवार के खिलाफ नगर अध्यक्ष सदफ जहां मोहम्मद जावेद ने हाल ही में दिग्रस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। दिग्रस नगर पालिका और आर्थिक गड़बड़ी का मानो चोली दामन का रिश्ता है, जो एक बार फिर नए रूप में सामने आया है। इस बार मामला हरित पट्टा योजना में कथित रूप से की गई 53 लाख रुपयों की धांधली का है। दिग्रस शहर और परिसर में 2000 वृक्ष रोपण करने और इन वृक्षों की देखभाल का जिम्मा नागपुर स्थित रेनबो ग्रीनर्स कंपनी को दिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस योजना के लिए गठित की गई समिति के बारे में नगर अध्यक्ष सहित सभागृह सदस्यों को इस बात से अनजान रखा गया। बताया जाता है कि इस मामले में कंपनी के साथ व्यवहारों की कागजी खानापूर्ति और ठेकेदार का 53 लाख रुपए का बिल निकालने तक की तमाम प्रक्रिया को अंजाम देने में पालिका के कंप्यूटर अभियंता स्वप्निल पवार ने अहम रोल अदा किया है। मालूम हो कि इस मामले में शिक्षण सभापति फिरोज पटेल ने पहले ही जिलाधिकारी कार्यालय यवतमाल को ज्ञापन सौंपकर संबंधित मामले के जांच की मांग उठाई थी। आइए सुनते हैं इस मामले पर वो क्या कह रहे हैं। मी मागील 1 ते 1.5 महीने अगोदर जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे 53 लाख रुपयामध्ये जे दिग्रस शहरामध्ये 2000 झाडे लावून जे वृक्षामध्ये भ्रष्टाचार झाला याची तक्रार मी जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे केली होती। मागील 1.5 ते 2 महिने अगोदरपासून मी ही तक्रार वारंवार केल्यानंतर भी कोणत्याच प्रकारची तक्रारीची दखल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कोणतीच तक्रारीची सहनिशा होत नाही, तक्रारीची दखल घेण्यात येत नाही। त्यामुळे सदर प्रकरणात अध्यक्ष मॅडमनी यांनी स्वतः चौकशी करून 20/12/2021 रोजी दिग्रस पोलीस स्टेशनमध्ये स्वप्निल पवार संगणक अभियंता व शेषरावजी टाले मुख्याधिकारी नगर परिषद यांच्या विरोधात दिग्रस पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली। तक्रारचा स्वरूप हे आहे की दिग्रसमध्ये जे 2000 झाडे लावली याच्यात फार मोठा भ्रष्टाचार झाला आणि दुसरा अध्यक्ष मॅडम यांची फसवणूक झाली। त्यांना न विचारता अजेंडावर विषय न घेता पटलावर विषय न घेता सभागृहामध्ये विषय न ठेवता त्यांनी स्वतः परस्पर ऐवज समिती चौकशी समिती नेमली। त्या चौकशी समितीची सुद्धा चौकशी व्हावी आणि अध्यक्ष मॅडम यांची स्वतःची फसवणूक झाली, अध्यक्ष मॅडमसोबत धोका झाला याची सुद्धा चौकशी लावून चौकशी व्हावी अशी जिल्हाधिकारीकडे तक्रार केली आहे आणि तक्रारची चौकशी लवकरात लवकर व्हावी। इस मामले में जब BCN न्यूज ने नगर पालिका दिग्रस के मुख्याधिकारी शेषराव टाले से बात की तब उन्होंने बताया कि इस योजना में 53 लाख तो क्या 53 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कंप्यूटर अभियंता स्वप्निल पवार के साथ हुए विवाद में बीते दिनों जावेद पहलवान के खिलाफ दिग्रस पुलिस थाने में धारा 353 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसके प्रतिशोध में हमारे खिलाफ इस योजना में हुई कथित धांधली की बेबुनियाद बात को आगे रखते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मालूम हो जिलाधिकारी कार्यालय ने शुरू से ही इस मामले की ओर अनदेखी बरती है। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार के इस कथित मामले में जिलाधिकारी कार्यालय आगे क्या रुख अपनाता है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।